institute. This is with the name of Step Institute of Art Design and Management. इसमें हम भी ऑफर बैचलर्स इन फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड ग्राफिक डिजाइन. तो आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि दिस इज प्योरली आर्ट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डॉक्टर नरेश कुमार खुराना साहब को बहुत ज्यादा रिगार्ड करती हूँ, उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आए और उन्होंने बहुत ही ज्यादा थॉटफुल, फ्रूटफुल और थॉट प्रोवोकिंग हमें एक उन्होंने सेशन दिया जिसमें ना सिर्फ स्टूडेंट्स थे बल्कि हमारा स्टाफ भी था. सबसे पहले तो उन्होंने अपने सेशन में अपने हेल्थ के जो इफेक्ट्स होते हैं, जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में बताया कि शुगर कैसे होती है या हार्ट डिजीज़ वगैरह कैसे होती हैं, जिसकी हमें इससे पहले बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी. हमें इसकी कॉजेस के, इसके सिम्टम्स का पता करने की ज़रूरत थी जो कि हमें इससे पहले नहीं था. तो इसमें जब हम कहते हैं कि ये इश्यूज़ कैसे आते हैं, इसकी अवेयरनेस के सेशन, बल्कि मैं ये मैसेज दूंगी कि इस तरह के सेशन ना सिर्फ इंस्टीट्यूट्स में बल्कि एक ट्रेनिंग सेशंस की फॉर्म में भी होने चाहिए. आजकल ज्यादातर इशू है हमारी टेंशन, जो मेंटली स्ट्रेस है ना वो ज्यादा आपको डैमेज कर रहा है. क्योंकि मेरे अपने फादर हैं, उनकी तीन बेटियां जो है वो इस तरह, मतलब बेटियों की वजह से परेशानियां, आज इस घर में ये हो गया, उस घर में वो हो गया. तो ज्यादा मेरा ख्याल है, मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि हमारा जो मेंटली स्ट्रेस की वजह से हाँ डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा. बहुत अच्छा रहा, पहले मैंने कभी भी नहीं करवाया, फर्स्ट टाइम मैंने यहीं से करवाया. ओके तो कैसा लगा, कैसा रहा जब आप गोइंग थ्रू चल रही थी सारे प्रोसेस से? अच्छा लगा. यहाँ से जो है कंसल्टेंसी भी करवाई, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? इट वाज रियली गुड एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव. और इन माय ओपिनियन इससे अवेयरनेस कैंपेन्स होते रहने चाहिए, ना ही सिर्फ इंस्टीट्यूट लेवल पर, जनरल पब्लिक में भी. इसलिए क्योंकि अगर हम जनरली देखें तो अभी कार्डियक अरेस्ट के रेशियोज बहुत ही इंक्रीज हो रहे हैं. रिसेंटली अभी हमारी एक स्टूडेंट की डेथ हुई है ड्यू टू दैट कॉज. और उसके बाद तो मैं बिल्कुल हर एक को रिकमेंड करूंगी कि अपने चेकअप्स को रेगुलर बेसिस पे कराएं. बहुत अच्छा था और उन्होंने काफ़ी एडवाइस किया बच्चों को, और ये बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ है. और ये हमें भी इनके साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, और ये बहुत अच्छी चीज़ें होनी चाहिए. ठीक है, इस तरह के कैंप और भी यूनिवर्सिटीज़ के साथ लगने चाहिए. और इसमें ये होता है कि हमारे लिए ही है, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग हैं जो ये हार्ट की जो मसला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. एक टाइम था जब लोगों को 80-90 साल की एज में जाके ये चीज़ें बीमारियाँ होती थी जो फेस करते थे, पर आजकल बच्चा जब होता है 25-30 साल का होता है तो उसको ये बीमारियाँ पेश हो रही हैं, कोई हार्ट पेशेंट. मैं समझता हूँ ये मैसेज उनके लिए ही है, एक्चुअली यूथ के लिए, कि पीरियोडिकल चेकअप्स बहुत ज़रूरी हैं. क्योंकि वी इन पाकिस्तान आर केयरलेस अबाउट आर यू नो एक्टिविटीज, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. तो जिसकी वजह से हम खाने पीने में परहेज़ नहीं करते और अपने आप को बिल्कुल लुक आफ्टर नहीं करते, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि लोगों में ये बीमारियाँ यू नो पैदा होती हैं. लेकिन ये है कि आपने जैसा ये इवेंट किया है, इस तरह के इवेंट अगर रेगुलरली होते रहें और लोगों को पता चलता रहे और मैसेजेस उनको पहुंचते रहे. मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इनिशिएटिव लिया है ना शालीमार हॉस्पिटल ने अवेयरनेस का, जिसे हम कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो अगर आप पहले से एक चीज़ के ऊपर प्रिवेंशन करना शुरू कर दोगे, आपको पहले से पता होगा कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, आपको पहले से पता होगा, जो लोगों को नहीं पता होता, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता. और ये मैंने भी खुद फेस किया हुआ है, मैंने खुद वेट लूज़ किया है और उससे पहले काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हैं, वो काफ़ी कम हो गई हैं. तो ज़्यादा बेहतर है कि दवाई से बेहतर है कि आप पहले प्रिवेंशन में आएं.